Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken class. Friends, how are you? Friends, in the last class I taught you about the past perfect tense, affirmative sentences of the past perfect tense, and I have told you very well the recognition rules of the past perfect tense, how to recognize the sentences from past perfect tense. So friends, today I will teach you the use of adverb in the past perfect tense. So let's start the class of the day. Friends, teaching शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि हर वीडियो में आपको एक कन्वर्सेशन वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और सुनने की भी आदत हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम कोई भी भाषा सीखते हैं। तो इस क्लास में फॉर्मूला तो मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर लिसनिंग का भी काम आपका हो सके इसके लिए मैं आधे मिनट का, एक मिनट का एक वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश में कन्वर्सेशन का, जिसे आप सुनकर आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं। Yes, coming. Hey, what are you all doing here? Nothing, just sitting and gossip, doing gossip. Oh, hey, Surekha, huh? Did you watch that movie which I sent you on WhatsApp? Oh, that movie? Yes. I had already seen that movie. When? Actually, I had downloaded that movie much earlier before you sent me. Mm-hmm. Which movie, Didi? Yes, Didi, I will also see. Okay, I will tell you later. It was so horrible movie, wasn't it? Yes, I had never seen such a horrible movie before. I was scared when I was watching this movie. I was so scared. Were you watching this movie at midnight? Yes. I was watching this movie at midnight when everybody had slept. Once I had seen a horrible movie at midnight. Yes. Okay, guys. I have to go to market. I have to buy some things. Will you come with me? Yes. Let's go. Yes. Okay, friends. तो इसमें ज़्यादातर जो भी conversation कर रहे थे, इसमें ज़्यादातर adverb का इस्तेमाल किया जा रहा था sentences में। तो आइए हम सीखते हैं कि adverb का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। वह पहले ही जा चुका था। वह पहले ही जा चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ाया था, यूज ऑफ एडवर्ब। ठीक है, जैसे मैं पहले ही यह पिक्चर देख चुका हूं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटेंस बनाने में। ही हैड ऑलरेडी गोन। ठीक है, मैं बहुत पहले ही यह फिल्म देख चुका था। बहुत पहले ही, पहले ही और बहुत पहले ही, दोनों में फर्क होता है। पहले ही मतलब ऑलरेडी, और बहुत पहले ही मतलब उससे भी ज्यादा पहले। तो इसका इंग्लिश होता है मच अर्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई हैड सीन दिस मूवी मच अर्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई हैड मच अर्लियर सीन दिस मूवी, या हम मच अर्लियर लास्ट में भी लिख सकते हैं, या ठीक ये हेल्पिंग वर्ब जो हैड आता है उसके बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं।
मैंने इससे पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था, तो आई हैड कभी है और नहीं भी है, तो नेवर सीन ताजमहल बिफोर दिस, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, वह पहले कई बार मुझसे मिल चुका था, तो ही हैड कई बार मीन्स मेनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स मेट मी बिफोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जिसमें एडवर्ब शामिल होगा, तो हम उन्हें इस तरह से बनाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सारे के सारे एडवर्ब्स के बारे में एक स्पेशल क्लास वीडियो बनाया था मैंने एडवर्ब का, यूज ऑफ एडवर्ब, तो सेम चीज़ है, और इसमें सिर्फ हैड लगाना है और उसमें हैज लगाना होता था, इसमें बिफोर दिस लगाना है, उसमें बिफोर बिफोर नहीं लगाना होता था, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट था और ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि पहले की बात हम, बीती हुई बात यानी पास्ट की बात हम बता रहे हैं, इसलिए इसमें हम बिफोर लगाते हैं। मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, तो आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी सेंटेंस में ऐसा आता है कि मैंने बहुत पहले ही अपना घर बेच दिया था, तो क्या होगा, तो ऑलरेडी की जगह मच अर्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मतलब ऑलरेडी और बहुत पहले ही मतलब मच अर्लियर, यह आप याद रखना कि पहले ही क्या इंग्लिश होता है ऑलरेडी और बहुत पहले ही क्या इंग्लिश होता है मच अर्लियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे सेंटेंसेस थे, जैसे कि मैं इससे पहले कई बार मुंबई जा चुका था, तो आई हैड सेवरल टाइम्स बीन टू मुंबई या गोन टू मुंबई बिफोर दिस, ठीक है फ्रेंड्स। आई हैड सेवरल टाइम्स गोन टू मुंबई बिफोर दिस, वह इससे पहले मुझसे नहीं मिला था, तो ही हैड नॉट मेट मी बिफोर दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस है, मैंने इससे पहले इतना भयानक सीन या दृश्य नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन इससे पहले कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था, तो इसमें कभी भी है और ये नेगेटिव भी है, इसलिए हम नॉट लगाने का झंझट को नहीं लेते हैं, सीधा हम नेवर लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कभी रहेगा सेंटेंस में और नहीं भी रहेगा तो उसमें हम नेवर लगा सकते हैं। तो ही हैड, क्या मैंने सेंटेंस बोला था कि मैंने इससे पहले इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन सच अ हॉरिबल साइट बिफोर दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ एडवर्ब का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक का वीडियो हमारा देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।